brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद की विधायकी पर खतरा मंडराने लगा है, या यूं कहूं कि विधायकी पर तलवार लटक रही है और उनके चुनाव को शून्य घोषित करने के लिए अपील कर दी गई है। मामला पहुंच गया है MPMLA कोर्ट में, हाई कोर्ट में पहुंचा हुआ है ये मामला, और जिसमें ये याचिका दायर की गई है कि आरिफ मसूद ने चुनाव के हलफनामे में झूठ बोला है, कई जानकारियां छुपाई हैं, और जानकारियां हैं उनके द्वारा और उनकी पत्नी के नाम पर लिए गए लोन से जुड़ी हुई, जिसमें कहा गया है कि करीब 65 लाख रुपए का लोन लिया गया है राष्ट्रीय जो बैंक है राष्ट्रीयकृत, लेकिन ये सब हलफनामे में नहीं बताया। और ये याचिका दायर की है विधायक रहे और इस चुनाव में हार चुके ध्रुव नारायण सिंह की तरफ से, उनके वकील बता रहे हैं क्या पूरा मामला, सुनिए। ध्रुव नारायण सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनके द्वारा आरिफ मसूद जो मध्य क्षेत्र के विधायक चुने गए भोपाल, उनके चुनाव की वैधानिकता को चुनौती देने के लिए इलेक्शन पिटीशन पेश की गई है, जो माननीय जस्टिस VK अग्रवाल की अदालत में सुनवाई के उपरांत स्वीकार ग्राह्य कर ली गई है और विपक्ष को नोटिस जारी करके 14 मई तक जवाब देने के लिए कहा गया है। उक्त याचिका में जो उनने नामांकन में अपने ऋण के संबंध में, अपने खुद के और अपनी पत्नी के ऋण के संबंध में जानकारी जानबूझकर छुपाई और मतदाताओं को जिस प्रकार से भ्रमित किया है, उसके आधार पर करप्ट प्रैक्टिस को की घोषणा के लिए याचिका प्रस्तुत की गई है और इसमें उनका इलेक्शन जो है उसे निरस्त कर देने की मांग की गई। तो वकील बता रहे हैं कि सीधे सीधे निर्वाचन को शून्य करने की चुनौती दी गई है, याचिका दायर की गई और कहा गया है कि अगर इस तरीके से चुनावी हलफनामे में झूठी जानकारी दी गई या कुछ छुपाया गया है तो इसके आधार पर निर्वाचन जो है शून्य घोषित कर देना चाहिए। इस पूरे मामले को कोर्ट ने भी संज्ञान में ले लिया, इसलिए मैं कह रहा हूं कि खतरा मंडरा रहा है विधायकी पर। कोर्ट ने इस याचिका को स्वीकार किया पहले तो, और 14 मई तक जवाब मांगा गया है आरिफ मसूद से, और उनसे कहा गया कि आपने अगर छुपाया है तो क्यों छुपाया है और जानकारी स्पष्ट करें कोर्ट के समक्ष। इस पूरे मामले में आपको बता दूं कि चुनाव दोनों ही लोगों के बीच में हुआ था, आरिफ मसूद बनाम ध्रुव नारायण सिंह। इसमें ध्रुव नारायण सिंह जो है 15,000 वोटों से ज़्यादा मत पाई थी उन्होंने, जिसमें चुनाव जीता था आरिफ मसूद ने। अब इस पूरे चुनाव को ही शून्य घोषित कराने की मांग कर दी गई है। अब देखना ये होगा कि कोर्ट के सामने आरिफ मसूद क्या अपना पक्ष रखते हैं, क्या दलील रखते हैं, क्योंकि आपको भी पता होगा कि चुनावी हलफनामा जो भरवाया जाता है उसका अर्थ ही ये होता है, शपथ पत्र होता है वो, कि उसमें जो भी उम्मीदवार जानकारी दे रहा है वो पूरी सही है, वो कुछ छुपा नहीं रहा है, और जो भी बताया जा रहा है वो एक एफिडेविट है, शपथ पत्र है। अब देखना होगा कि कोर्ट के पास मामला जाने के बाद आगे इसमें क्या रुख देखने को मिलता है। आप देखते रहें MP तक।